Audio Jungle. आखिरकार आरटीओ विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें अब खुलने लगी हैं। प्रतिमाह लाखों रुपए के वारे नियारे करने का कर्मचारी व अधिकारियों पर कसेगी नकेल। गुरुग्राम के सीएम उड़न दस्ते ने दो कर्मचारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसमें एक डीसी रेट पर लगे कर्मचारी जिला प्रमुख की दावेदारी कर रही जिला पार्षद का पति भी है, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के करीबी भी हैं। परिवहन आयुक्त ने इस मामले को लेकर सहायक सचिव को निलंबित भी कर दिया। दो दिन की छुट्टी के बाद आज उड़न दस्ता गिरफ्तार कर्मचारी को लेकर रेवाड़ी पहुंचा तो विभाग में हड़कंप मच गया। ज़्यादातर कर्मचारी अपने आप को फंसता देख पहले से ही छुट्टी पर चले गए और जो कुछ बचे थे वो भी इधर उधर हो लिए। उड़न दस्ते ने विभाग के मुखिया अतिरिक्त उपायुक्त से दरवाज़ा बंद कर पूछताछ की। सूत्रों की माने तो अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी पर आरटीओ विभाग में कमाऊ सीट की अदला बदली करने के एवज में मोटी रकम ऐंठने का आरोप लगाया है। इसमें उड़न दस्ते की टीम ने अतिरिक्त उपायुक्त से भी पूछताछ की है। हम आपको बता दें कि एक माह पूर्व गुरुग्राम उड़न दस्ते ने एक दलाल को धर दबोचा था। उससे पूछताछ के बाद उड़न दस्ते के कान खड़े हो गए। रेवाड़ी कार्यालय में बाहरी वाहनों चालकों का यहां गैर कानून तरीके से नवीनीकरण किया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व ही दो कर्मचारियों से पूछताछ भी की थी, तभी से यह माना जा रहा था कि रेवाड़ी कार्यालय के अधिकांश कर्मचारी व अधिकारियों पर गाज गिरना लाजमी है। इसी के चलते दो कर्मचारियों को उड़न दस्ते को ने गिरफ्तार कर लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि आरटी विभाग के कर्मचारी और दलाल पर भी गाज गिर सकती है। लगभग तीन माह पूर्व आरटी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम को मिल रही थी, तभी सरकार ने फैसला लिया था, डीटीओ की पावर और एडीसी को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। कार्यालय में काम करवाने आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत थी कि उनको दलालों के मार्फत होती है। अधिकांश को सरकार ने ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन कर्मचारी सर्वर न चलने का बहाना बनाकर लोगों को टरका देते थे और हार कर दलालों की शरण में चले जाते थे। दलाल जिले के ही सक्रिय नहीं थे, मेवात व राजस्थान के दलाल भी लाखों रुपये के वारे नियारे कर रहे थे। फर्जी लाइसेंसों का नवीनीकरण यहाँ लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अधिक जानकार भी अनजान बने हुए थे। मज़ेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री ने काम को साफ सुथरा करने के लिए काम डीटीओ से हटाकर एडीसी को दे दिया। उन्होंने तीन माह बीत जाने के बाद उनको ये पता नहीं चल पाया कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है। अगर गुड़गांव का दलाल सीएम उड़न दस्ते गिरफ्त में नहीं आता तो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मोटी चांदी कूटते रहते। उड़न दस्ते ने विभाग के एक निरीक्षक से पहले ही मामला दर्ज किया हुआ है, लेकिन बताते हैं कि अहिरवाल के एक वरिष्ठ मंत्री की शह और उसके खिलाफ नरमी बढ़ती जा रही है। अब उड़न दस्ते की कार्रवाई के बाद ऊंट पहाड़ के नीचे आ पाएगा या फिर अधिकारी व कर्मचारी पहले की तरह ही चांदी कूटते रहेंगे, लेकिन आम लोगों को तो भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपना काम करवाने के लिए पहले भी चक्कर लगाने पड़ रहे थे और आज भी लगा रहे हैं। जब इस संबंध में उड़न दस्ते के उप निरीक्षक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इससे पहले रसीद कट रही थी, लाइसेंस और टैक्स की रसीद कट रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद फिर काट नहीं बंद कर दी। कह रहे टैक्स की कटेगी, लाइसेंस वाले नहीं कटेगी, तो लाइसेंस वाले कहां से आएंगे? नंबर प्लेट के क्या हो गया? नंबर प्लेट का क्या हुआ है? देखो तो सही ना, ग्राउंड में ध्यान में छोड़ के आए। कितनी बार चक्कर काटेंगे सर? ये हमने सुबह 4 बजे भेजा था, इसको बुखार चढ़ गया। खड़े खड़े कुल मिला के काम नहीं हो रहा है। मैं आरसी के लिए दस्तार आ चुका हूँ, मेरी ये आरसी नहीं मिल रही है। जो क्या कहा गया अब आपको? पहले 4 बार कहा गया है कि ये एक सप्ते बाद मिलेगी, एक सप्ते बाद मिलेगी, एक सप्ते बाद मिलेगी, और आज अभी नवीन जी ने बताया कि मैं अभी थोड़ी देर में अभी नहीं दे सकता, मैं कभी बिजी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, वो सीट पे ही नहीं है जो है। कितनी बार आए सर? कितनी बार इसके लिए आए? एक काम के लिए 6 बार तो आ चुके हैं जो, और 3-4 महीने इसको ऑलरेडी हो चुके हैं जो, क्या करें बताओ? कोई परेशानी? इतनी परेशानी है, पब्लिक तो बिल्कुल ही परेशान है।